कहीं आपके बच्चे भी तो सुसाइड करने की नहीं सोच रहे, कहीं आपके बच्चों को भी तो सुसाइडल थॉट्स नहीं आते, और क्या आपके बच्चे भी छोटी छोटी चीजों पर मरने मारने की बातें करते हैं? अगर ऐसा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका दोस्त आपका भाई एवरी जिंदा है और तब तक आपको कोई परेशानी छू भी नहीं सकती। बस आपको करना ये है कि आपको शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखना है, ताकि एक एक बात आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। और इस वीडियो के एंड तक आप सब समझ में आ जाएगा कि अगर आपके बच्चे में सुसाइड के हल्के से भी लक्षण दिखते हैं तो आप उसे टाइम पर कैसे पता लगा सकते हैं और उनके दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए ये बात कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए दिमाग की बत्ती जलाते हैं। सुसाइड करना आजकल के बच्चों और नौजवानों में काफी कॉमन और बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। सुसाइड इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कारण है आजकल के नौजवानों में डेथ होने का। ज्यादातर लोग जो कि सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं वो एक बहुत ही सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करते हैं, जिसे हम प्यार से डिप्रेशन कहते हैं। बच्चों के केसेस में सुसाइड करने का कॉमन रीजन ये है कि हो सकता है वो किसी चीज की वजह से बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हो, या फिर किसी चीज से नाराज हो, या फिर हो सकता है कि लोगों द्वारा उन्हें ज्यादा अटेंशन ना दिया जा रहा हो, यानी ज्यादा इम्पोर्टेंट ना समझा जा रहा हो। और एक और सबसे बड़ा कारण रिजल्ट में कम नंबर आने के कारण। बड़ों में इसका ज्यादातर कारण स्ट्रेस होता है, या फिर बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाना, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाना, एक्सेट्रा से कारण हो सकते हैं। और एक जो कॉमन बात जो कि बच्चे हो या चाहे बड़े, दोनों के केसेस में ही नोटिस किया गया है कि सुसाइड करने वाले को हमेशा यही लगता है कि सुसाइड करना ही उसके प्रॉब्लम का एकमात्र सलूशन है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी भयानक बात है, मतलब बेचारा इंसान डिप्रेशन में आके कुछ भी सोचना शुरू कर देता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी सुसाइड के शिकार होने वाले होते हैं उनकी बातों में कुछ पहले से ही झलक दिखना शुरू हो जाता है, जैसे कि वो कह सकते हैं कि काश मैं मर ही जाता, काश मैं इस दुनिया में जन्म ही ना लिया होता, या फिर अब मैं तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम नहीं बनूंगा, सेक्टर सेक्टर। दूसरे साइंस जो कि सुसाइडिस्ट के केस में दिखना शुरू हो जाते हैं वो कुछ इस तरह है। पहला, खाने और सोने की आदतों में चेंजेस आना। दूसरा, दोस्तों से, परिवार से और अपने रोजमर्रा के कामों से सारे रिश्ते नाते तोड़ देना। तीसरा, अचानक से स्कूल परफॉर्मेंस में कमी आना। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों से सुसाइड के टॉपिक के बारे में बात करने से अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ कि कम से कम आप अपने बच्चों से इतना तो पूछ ही सकते हैं कि कहीं वो किसी चीज की वजह से डिप्रेस तो नहीं, क्या कोई ऐसी चीज है जो उन्हें लाइफ में प्रॉब्लम कर रही है, ताकि आपके बच्चे ये समझ सके कि वो अकेले नहीं है, कोई तो है जो उनके बारे में सोचता है, उनकी केयर करता है, ताकि वो कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले 100 बार सोचे। इंडिया में हर साल 3 लाख से भी ज्यादा लोग सुसाइड के शिकार बनते हैं, और पर डे बात की जाए तो 400 से भी ज्यादा लोग। लेकिन अगर हम चाहें तो हम बहुत सारे लोगों को सुसाइड करने से रोक सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ जरूरत ये है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और कैसी लगी मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।